सकती है, अभी मिट्टी ट्रैक्टरी बॉडी से करंट भी आ सकता है इसमें जी। कोई भी बच्चा खेल रहा हो हाथ लगा दिया वो भी मर सकता है यहाँ पे। सुनने में आया कि 112 नंबर पे भी आपने कंप्लेंट की थी, फिर करी थी तो सुनी किसी ने, किसी ने भी नहीं सुनाई करी मारी। इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्टर पे गिरा हुआ है आप देख सकते हैं, ये देखिए लोहे का ट्रैक्टर है। अगर जानोगा तो बिजली विभाग भुगतेगा सर, कैसे भुगतेगा? मान लो किसी बच्चे को करंट लग जाता तो भुगतान कैसे होगा? मेरे बंदे डेली आ रहे मेरे लाइन में, ये रहे यहाँ पूछो। अरे संदीप, हाँ जी सर आना एक मिनट आगे। हाँ जी सर, ये कह रहे कि हम यहाँ पे आए थे और हमने बोला था कि नीम का पेड़ हटवाया जाए। हाँ। एक बंदा संदीप आ रहा है लाइन में। नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। दोस्तों इस वक्त आप सीधा मेरे साथ सोनीपत के हरसाना कला गांव से लाइव जुड़ चुके हैं। दोस्तों तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ दिन पहले आंधी और तूफान, आंधी जो आई थी उसके दौरान ये जो बिजली का, ये देखिए आप, ये पहले तो पेड़ टूट के गिरा, उसके बाद ये बिजली का खंभा टूट के यहाँ पे गिर गया। गांव वालों का जो कहना है, जो हमें जानकारी मिली है, गांव वालों ने बिजली विभाग में कंप्लेंट की, लेकिन एक हफ्ते से आप देख सकते हैं आज भी बिजली का खंभा और पेड़ ऐसे के ऐसे यहाँ पे गिरा हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है, गांव वालों ने जो शिकायत की है ना, तो बिजली विभाग से कोई आया और गाँव वाले यहाँ पे मौजूद है, पूछते हैं उनसे क्या कुछ मामला और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते बेटी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? के मामला है, हम के बतावा, देश आ रहा है तो जाओ बैठे, कोई खेल लगा कोई कुछ करेगा और आके कोई न्यू नहीं जाके, कई दिन की बात होली हम भीतरे बैठे रहे, आपकी भी सुनेंगे लाइव चल रहा है, कोई भी बार नहीं लिख रहा, किसी ने न्यू सुनाई नहीं करी भाई नीम पड़ा है हमारे गाड़ी घोड़े भीतर, हम बाहर जावांगे कुछ के करेंगे, कोई मतलब नहीं, कोई आन के नहीं जाके, ना कोई बिजली आला ना कोई गांव का, किसी ने नहीं। सुनने में आया कि 112 नंबर पे भी आपने कंप्लेंट की थी, फिर करी थी तो सुनी किसी ने भी नहीं सुनाई करी मारी, किसी ने भी, कह दिन की बात, रूख टूट भी जाया करे, घर में भी टूट जाए बाहर भी टूट जाए, फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो उसने उठा ले, सारे काम करा रोक रखे, न्यूनते भी बताओ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है, जो खंभा गिरा हुआ है बिजली का, बिजली की सप्लाई इसमें चालू है, आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ से गुजरते हैं और कुछ भी हादसा दोस्तों यहाँ पे हो सकता था। एक बहुत बड़ी लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा हरसाना कला गाँव में यहाँ पे की गई है। गाँव वालों ने 112 नंबर पे कंप्लेंट की, 112 नंबर पे फोन किया, बिजली विभाग में इन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई। दोस्तों हरियाणा में कोई नई बात नहीं है, एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आती, चोरी होती है तो पुलिस टाइम पे नहीं आती, बिजली का खंभा गिर जाता है तो बिजली वाले टाइम पे नहीं आते, ऐसा क्यों? हरियाणा की जनता सरकार से पूछना चाहती है आखिर जनता के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं कितना भयानक यहाँ पे मंजर है, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर भी दबा हुआ है इसमें। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं कुछ नहीं कहती बेटा, ट्रैक्टर टूट रहा रोक रहा, किसका ये ट्रैक्टर? मारा ही है आपका ही? फिर क्या है, मतलब 5-6 दिन हो गए इसको पड़े पड़े, हफ्ता सारा हो लिया, कोई भी नहीं आया आपको पूछने के लिए या बोला ना? हाँ जी, तो दुख मान रही या ना बोला नहीं, कहता कितना टोटा हो गया नहीं बता, क्या गलत भरेंगे, गरीब बालक करके खा रहा था, यो आड़े टूट के बैठ गया, के करेगा बताओ, किसी ने सुनाई करी किसी चीज के बारे में? कुछ भी नहीं करया, बताओ फिर कड़ते ही क्या करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे बिजली विभाग के द्वारा, अभी और गांव वाले भी मौजूद हैं। जी सर क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक हफ्ते से मैडम कंप्लेंट की रखी है, 100 नंबर भी कॉल कर ली, वो भी आ लिए, कोई लापरवाही नहीं, सप्लाई चालू है, ट्रैक्टर दबा हुआ मेरा, नुकसान मेरा हो रहा है, पहले ये और ऊपर था, ये धीरे धीरे नीचे आ गया, सप्लाई चालू तो आ नीचे गिर, बच्चे स्कूल में जाते, लेडीज पानी लेने जाते, बुजुर्ग यहाँ से गुजरते हैं, कोई किसी से सुनवाई नहीं गया, SDO से बात कर ली, जय साहब सबसे बात की मैंने, जय साहब ने आज मेरे को फोन किया भाई आज उठवाए, नहीं तो डेली ये करी, आज शाम को आप ट्रैक्टर निकलवा दे, आज शाम को ट्रैक्टर निकलवा देंगे, किसी ने कोई आज सुनवाई की है जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही, मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से, आप देख सकते हैं, देखिए तार कैसे खुले में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पशु भी यहाँ से निकलते हैं, बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी, मैं कैमरा मैन से कहूंगी कि आपको पूरी तार ये वहाँ से वहाँ तक दिखाई जाए, ये देखिए एक हफ्ता इन बातों को हो चुका है, कोई भी कार्रवाई यहाँ पे
आपके अधिकारी कहाँ पर है? बोलिए मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, पहले गांव वालों की समस्या सुननी थी ना आपकी, अब सुनेंगे। सर इतनी बड़ी मतलब लापरवाही कैसे बिजली विभाग के द्वारा, क्या कहना? बिजली विभाग से अगर कोई लापरवाही नहीं, जब से कहीं कम भैया टूटा है नीम, 30 तारीख को आंधी आई थी, 30 तारीख को आंधी आने के बाद नीम हमारी लाइन पर टूट गया था। गाँव वालों ने कहा भी नीम हम उठवाएंगे, हमारी लाइन दुरुस्त चली हुई है, कर है पोल हमारा कर है ऊपर खड़े हुआ कर, लाइन हमारी चल रही है, इससे कोई हादसा हमारा हाथ अंदेशा नहीं था भाई, इससे कोई हादसा होगा। जब नहीं, ये तार ऐसे खुले में पड़ी है, इससे हादसा नहीं हो सकता, आप ये कहना चाहते हैं? ओपन केवल, ये तार वैसे नहीं है, ओपन नहीं है, ये केवल में तार है, इसमें कोई कनेक्ट नहीं होता। ठीक है जी, बिजली विभाग की जिस दिन 30 तारीख को यहाँ आंधी आई थी, और यहाँ थोड़ा पीछे आंधी आई थी, हमारे पोल के ऊपर कर नीम गिरा हुआ था, मेरे विभाग से कर कर्मचारी मैंने भेजे यहाँ पर, और उन्होंने आके कर गांव वालों को कहा भी कर आपका नीम टूट गया, इस कृपया करके इसको उठाया जाए। गांव वाले ने कभी कोई सुनाई नहीं करी, अब नीम कर नहीं उठवा रहे, तो मैं खुद अब साइड पर आया हूँ और नीम उठवा कर लाइन अपना पोल ठीक करूँगा। गाँव वालों का सर आपके सामने कहना कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, मेरे बंदे रेली आ रहे, मेरे लाइन मैन ये रहे यहाँ पूछो। अरे संदीप। हाँ जी सर, आना एक मिनट आगे। संदीप कौन आया था सर आपके पास? नहीं कल भी बोलिए ना। हाँ जी सर, ये कह रहे कि हम यहाँ पे आए थे और हमने बोला था कि नीम का पेड़ हटवाया जाए। हाँ। एक बंदा संदीप आवाज है, ये लाइनमैन ये आगे देख के सुबह देख के चला गया भाई, इसको मेरे पास लेबर नहीं है, आई ड्राइवर, ये काम नहीं होगा, पेड़ काटने तब दे ट्रैक्टर नहीं निकलने देगा, उसका कोई नुकसान होगा, उसका जिम्मेवार कौन है? मेरे ट्रैक्टर का, मेरे ट्रैक्टर जिम्मेवार कौन है? जो नुकसान होगा वो तो हो गया, उसको हम ऑर्डर तैयार, जो आगे ये पेड़ काटते हैं, जो मेरी बॉडी टूट गई, और नुकसान उसका जिम्मेवार कौन है? कोई नुकसान होगा तो बिजली विभाग भुगतेगा। सर कैसे भुगतेगा, मान लो किसी बच्चे को करंट लग जाता तो भुगतान कैसे होगा? अगर सर कट आप तार गिरा हुआ तो कुछ नहीं हो सकता इस पर है, कट कहीं भी नहीं है, हमारी लाइन में कट कहीं भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे मत आप ट्रैक्टर में भी, जैसे गांव वाले के ट्रैक्टर में भी आग लग सकते है, कुछ भी हो सकता है, मेरी लाइन दूर है ट्रैक्टर से, देखो आप एक बार आए, आपको दोबारा भी आना चाहिए। मैं आया हूँ, मेरे लाइन मैन आए हैं, एक ही बार तो आए ना सर। अरे मैडम पहले मेरी लाइन भी लाइन मैन आए हैं, मेरी लाइन में काफी नुकसान है, जब लाइन चालू करा रहे हैं आपके सामने मना कर रहे हैं, जो मौके पे खड़े पूछो ना। अरे मेरे भाई लाइन मैन हैं, अगर मेरे देखो कम बात तब होगा ना, और गेर देगा ये, इधर देखा मैडम इसने और गेर देगा, वो कौन करेगा? वहाँ बुरा ना भाई, कैसे गेर देगा? लिख के दो आप, लाओ मैं ठवाऊं, आप लिख के दो ना, लिख के दो, नाट जाओगे? कैसे नाट जाऊंगा, नुकसान होगा, नाट जाओगे आप, पैसे का लिख के दो, जितना नुकसान होगा मैं भरवाऊंगा। और बोलो मेरा रास्ता बंद रखे भाई, टूटा पड़ा है, मेरे लाइन का टाइम पे लाइन मैन आए हैं, मशीन लाओ। ठीक है सर, ये बड़ी लापरवाही है, आप तो कैसे बोल सकते हैं कि टाइम से आए, आप खुद देख सकते हैं जब खंबा ट्रैक्टर के ऊपर गिरा हुआ है, गांव वाले पेड़ को कैसे उठाएंगे, सप्लाई चालू है, वो मेरी सप्लाई मैंने बंद करवा दी, मेरे लाइन मैन आए थे भाई, नहीं बंद हुई सर, गांव वालों कह रहा कि सप्लाई चालू है, सप्लाई तब भी चालू है, मैं मना कर रहा हूँ, मेरी लाइन से कोई हादसा होने का नहीं, बताइए कि कैसे उठाएंगे? अरे जब ये नीम का पेड़ा तब मालिक करें, इनको बोल के गया हूँ भाई गाँव के चौपाल का नीम है, इसको उठवा लो, अगर गाँव वाले कहीं से वो लेके आए थे तो मेरी लाइन बंद करवाता मैं। सर सबसे पहले सप्लाई बंद करनी चाहिए थी ना, लाइन मैन क्या करेगा? मैं तब करवा जब कोई मेरे को अंदेशा होगा भाई, हादसा हो सकता है। अभी आप जय है सर? हाँ जी मैं जय हूँ। अब जे ही सर का कहना है कि इनको मतलब अंदेशा होना चाहिए, मैं कैमरामैन से कहूंगी आपको दिखाया जाए। हाँ। जे ही साहब को अंदेशा था कि यहाँ पे कोई हादसा नहीं होगा, आप देख सकते हैं तारे कैसे पड़ी हुई है खुले में नंगी, और इधर आपको नजदीक से दिखाते हैं, आइए अभी जे ही सर का कहना है, ये देखिए आप, सारे गाँव वाले यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये देखिए खम्बा किस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्टर पे गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए लोहे का ट्रैक्टर है, अगर ऐसे में गांव वाले इसको पेड़ को उठाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता था, लेकिन जो बिजली विभाग से जेई साहब है उनका कहना है कि मुझे किसी हादसे का अंदेशा यहाँ पर नहीं था। दोस्तों कमेंट, मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे और बताए कि यहाँ पर गलती किसकी है। आप देख सकते हैं कितना भयानक मंजर है, यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर का भी काफी नुकसान हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए
ये इसका मीटर का हाल देख सकते हैं आप इधर से, मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगी, देखिए जी आग भी लग सकती है, अभी मीटर ट्रैक्टरी बॉडी से करंट भी आ सकता है इसमें, कोई भी बच्चा खेल रहा हो हाथ लगा दिया वो भी मर सकता है यहाँ पे, कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एक जैसा आपको बोल दिया दिल्ली यही कहा कि भाई कल शाम को ठोवा दें, कल शाम को ठोवा देंगे जी। पुलिस का क्या कहना था? पुलिस भी आई देख के चले, रिपोर्ट लेगी, उन्होंने सदर थाने कंप्लेंट कर दी हमारी, उनको बताया भाई उनका फोन आया भाई हम कार्रवाई करेंगे, फोन नहीं उठा रहे एफ डी ओ साहब ने, नहीं एफ डी ओ साहब ने उठाया नहीं जी ने, ये पता चल गया उनका नंबर बार बार आ रहा है, फोन ही बंद कर दिया, मैसेज करते भाई चंडीगढ़ करो उन बंदों को, जाइए को फोन करो, मेरे पास फोन मत करो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी लापरवाही जो बिजली विभाग के द्वारा की गई है। आप मैं कैमरा मैन से कहूँगी थोड़ा आगे जाके आपको मीटर नज़दीक से दिखाया जाए, ये देखिए मीटर जो है बिल्कुल इससे ट्रैक्टर से टच है, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा पेड़ को उठाने की सप्लाई यहाँ पे चालू है बिजली की चालू हालत में अगर कोई भी यहाँ पे उठाने की कोशिश करता है तो कुछ भी, देखिए खंभे की हालत आप ये देखिए, ट्रैक्टर जो है यहाँ पे लोहे का ट्रैक्टर है ये, और कोई भी हादसा यहाँ पे, लेकिन हमारे जेई साहब का कहना है कि उनको अंदेशा ही नहीं था कि यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है। जेई साहब का कहना था कि यहाँ पे कोई कहाँ कहाँ गए सर, और बात करने की कोशिश करते हैं अधिकारी के साथ। सर ये हालत देखिए ना आप मीटर की, मेरे करंट नहीं है वहाँ पर, मेरा पोल लगा हुआ है वहाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, मतलब जिस तरीके से जो मीटर ट्रैक्टर के ऊपर गिरा हुआ लोहे का ट्रैक्टर है, तो मतलब आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई भी हादसा नहीं हो सकता, इसीलिए 5-6 दिन तक, मेरी सुनिए पहले, 5-6 दिन तक इसीलिए यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई? तक गाँव वाले नहीं कार्रवाई क्यों नहीं की, मेरे लाइनमैन भी आए हैं, मैं मेरे बंदे और भी भेजे मैंने यहाँ, गांव वाले खंबे को कैसे हाथ लगाएंगे, चालू सप्लाई चालू है यहाँ पे मैडम, खंबे की जरूरत नहीं है हटाने की, खंबे के कारण जब तक ये नीम नहीं हटेगा ना गांव की जो चौपाल का, जब तक खंबा कैसे हटाएंगे बताओ, क्या चालू सप्लाई में क्या सप्लाई अच्छी बात, मेरे लाइनमैन है मेरे साथ, लाइन बंद करेगा, आपकी टीम कितनी बार आई यहाँ, डेली आ रही है, कल भी आई है परसों भी आई है। आप देख सकते हैं कि गांव वालों का कहना है कि यहां पर बिजली विभाग की टीम एक बार भी नहीं आई, सिर्फ लाइनमैन ने आकर ये बोला कि यहां से नीम का पेड़ यहां से हटाया जाए। देख सकते हैं आप ऐसी हालत में कैसे नीम का पेड़ हटा सकते हैं, और फिर लेकिन हमारे जो जेई साहब हैं, कैमरामैन से कहूंगे आपको दिखाया जाए, जेई साहब और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने छह दिन के बाद हरसाना कला गांव में बिजली विभाग से टीम आई है। इनका कहना है कि यहाँ पर इन्होंने अपने लाइनमैन को भेजा था और गांव वाले सरासर मना कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे नहीं आया। जी सर क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर जो है बिजली विभाग की लापरवाही है जी, जो तार नंगे गली में गिरे हुए हैं, अगर दुनिया यहाँ बच्चे दुनिया भर के बच्चे हैं जी, अगर किसी का हाथ पड़ जाए तो क्या हो? जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हरियाणा में बुरा हाल है हर चीज़ में, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती है, चोरी होने के बाद पुलिस टाइम पर नहीं आती है, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कर पहले भी कार्रवाई की हमने, कर ये नहीं करे मैंने कार्रवाई नहीं, मेरे लाइनमैन आया, लाइनमैन आने के बाद ट्रैक्टर वाले कंज्यूमर ने कहा भी कर जब मैं क्लेम लूंगा, अरे जिससे नीम से टूटा अगर नीम कर गांव वाले तो कोई भी दो, ट्रैक्टर वाले ने कहा नीम किसको नहीं हटाने दिया, अगर रखम देखो ये मेरा लाइन, मेरा लाइनमैन से पता करने बाद पता लगा मैं जिसका ट्रैक्टर उसने मना कर दी इसको भाई मैं क्लेम लूंगा, तब इसको संदीप ये रहा इधर आ रहे संदीप इधर क्या कहा इसने भाई कर इसको, आप यहाँ पे आए थे? मैं जिस दिन ये गिरा उस दिन भी आया और कल परसों, 4 दिन पहले है, क्या बोला गया? परसों भी आया हूँ। आइए सर आगे आइए। हाँ जी बताइए। उसने ये कहा है ना भाई वो करेंगे, लेकिन ये उल्टे आ गए, ये बोले अभी आज हटा देंगे, हमारे पास वो मशीन नहीं है, मशीन 4 दिन आज तक मशीन नहीं आ रही, हाँ ठेकेदार की लेबर थी, तो जी सब की जिम्मेवारी है इसको हटाओ, है गरीब आदमी है इसके बताइए 4 दिन इसको खर्चा कौन देगा, बिजली का अगर जो टूट जाए तो ये मांगते हैं, जरूर मांगो ना, ये भी इसका टूट रहे थे इसका कौन देगा, तो 4 दिन का खर्चा कौन देगा ये बताओ, नींद में थोड़ा क्या फिर 4 दिन का खर्चा कौन देगा ये बता दो, नुकसान किया हमारा किसने सर, आप सर आप क्या कार्रवाई आपके द्वारा यहाँ पे रहेगी? आप हमारी कार्रवाई ये रहेगा इस पोल को दुरुस्त करेंगे, पर सप्लाई हमारी चालू है, अभी पेड़ को उठवाने के लिए क्या किया है? पेड़ को उठाने के लिए बुलाई है जी, हाँ
सर ये कार्रवाई पहले भी तो हो सकती थी, पहले भी करिए मैडम, कंजूमर ने नहीं उठाने दिया। टूट गया क्या बना रखा खंबा, ऐसी क्वालिटी पे वो दो तुम्हें बिजली वाले हो जो किधर तुम लगाओ करके बाढ़ किसी करके बाढ़ पड़ गया किसी के बरा क्या हो जाएगा कि जाओ बुरे नहीं सुनते लो एवं नू बताओ ऐसे ऐसे खंबे लाओगे किसके के कर काम चला लो ना ठीक करवाओ। ये तो बिजली वाला काम है ना हमारे थोड़ी ना पुराने ना बदलवाओ जो काम था रहे हैं और पुराने जब टूटा है जब टूटा है इसका कितना नुकसान हो गया इन्हें अपने बड़े खेत में देखिए नया टूट गया वो तो नया कदला था रे कद लगा था वो जो नया है पुराना नया है इसी क्वालिटी बना हो तुम्हें देखे नया है कि वो पुराना नहीं बताओ है तो फिर इन्हें बदलवाते क्यों ना तुम यार कमी धारी है भैया तो कमी नहीं किया बिजली वालों की के अपने नकम बयान चेक नहीं कराते ये सारे कितने भी हैं नीम की कमी। अभी आप देख सकते हैं कि विवाद के बीच जे ही साहब यहाँ पे आ पहुँचे हैं उन्होंने क्रेन को बुलाने का आदेश यहाँ पे दिया है। अभी यहाँ पे नया पोल यहाँ पे खड़ा करवाया जाएगा और क्रेन बुला के इस पेड़ को यहाँ से हटवाया जाएगा। तो ऐसी खबरों के लिए दोस्तों बने रहे हमारे साथ। जय हिंद जय हरियाणा।